In fact I love using them on daily basis so I thought why not to share it with you guys so without any further delay let's jump into the video

एंड ये बहुत ही जल्दी ड्राई भी हो जाता है लाइक like, ऐसा नहीं है बहुत सारे नेल पेंट ऐसा होता है कि लगाने के दो घंटे तीन घंटे बाद तक भी ड्राई नहीं होते बट दिस वन ड्राई सो क्विकली सो आई हाईली हाईली रिकमेंड दिस नेल पेंट टू यू एंड अब मैं इसके और भी शेड्स ऑर्डर करने वाली हूँ लाइक ग्रीन ब्लू रेड पिंक जो भी अच्छे अच्छे शेड्स है मैं उसको भी ऑर्डर करूंगी सो इनकेस इफ यू आर लुकिंग फॉर वेरी बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल गुड क्वालिटी नेल पेंट एन यू कैन गो फॉर दिस वन नेक्स्ट वी हैव द ब्लैक नेल पेंट फ्रॉम ब्लू हेवन इट इज द ब्लू हेवन हाइपर जेल नेल पेंट आई रियली लव दिस नेल पेंट ये मुझे उतना अच्छा तो नहीं लगा बट स्टिल इट डज द जॉब द ओनली प्रॉब्लम आई हैव विद दिस नेल पेंट इज दैट कि ये उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है एंड ऐसे nail paints, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जो हल्के हल्के चिप ऑफ होने लगे घर का काम करने में या हैंड वॉश करो उसमें तो आई डू नॉट रिकमेंड दिस वन ओवर दिस सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड नेल पेंट गो फॉर दिस वन आई थिंक इसमें ब्लैक भी अवेलेबल होगा सो इफ यू नीड ब्लैक एंड व्हाइट गो फॉर दिस ब्रांड बहुत टाइम से मेकअप रिमूव करने के लिए मैं कॉटन पैड्स का यूज करती थी एंड आई थिंक आई हैव ऑलरेडी शेयर दिस मैं

ओपन भी नहीं किया इसको ओपन करके देखा इट लुक स्टिलेगा बेटर कोई भी अलग से कॉटन पैड यूज करने की जरूरत नहीं है मेकअप रिमूविंग वाइप्स यूज करने की जरूरत नहीं है सो इट विल बी वेरी इन्वॉर्मेंट फ्रेंडली टू बट आई डोन्ट नो वेदर इट वर्क और नॉट सो अभी

ओनली प्रॉब्लम आई हैव की इसमें एक दो ब्रशेस और होने चाहिए थे लाइक ब्रॉडर ब्रश आई लाइनर ब्रश बट वो नहीं है इट्स ओके बट दिज टेन ब्रशेज आर एब्सोल्यूटली गुड आई लाइक एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगी की जब भी आप चीप ब्रशेज या अफोर्डेबल ब्रशेज यूज कर रहे हो तो कभी भी ब्रश से अपना फाउंडेशन मत लगाना बिकॉज ये जो ब्रशेस होते है ना वो फाउंडेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते इसमें फाउंडेशन ब्रश दिया हुआ है बट आई नेवर यूज दिस फॉर फाउंडेशन आई यूज इट फॉर ब्लश कंसीलर हाईलाइटर बट कभी भी फाउंडेशन मत लगाना बहुत ही केकी और बहुत ही पैची लगेगा प्लस लाइंस भी दिखती हैं क्योंकि इसके ब्रशेस उतने अच्छे नहीं होते हैं सो इफ यू वांट टू अप्लाई योर फाउंडेशन विद अ अ ब्रश ब्रश यू शुड इन्वेस्ट इन हाई एंड अदर देन दैट के के लिए के लिए एंड इनलाइटर लगाने के लिए आपका आई शेडोज है, काफी है highly, highly मैं इन ब्रशेस के अलावा तीन चार और अल्टरनेटिव ब्रशेस की आपको लिंक दे दूंगी ताकि आप जाके उनको भी चेकआउट कर सको और जो आपको अफोर्डेबल लगे आप वही परचेस करना सो वेन इट कम्स टू ब्यूटी टूल्स आई ओनली ट्रस्ट वेगा वेगा के जितने भी प्रोडक्ट्स है ना वो मुझे बहुत पसंद है लाइक like, उनके टीजर ब्रशेस हेयर ब्रशेस वो सारे बहुत अच्छे होते हैं बेस्ट पार्ट इज दैट इसका जो हैंडल है सो है. so, आप आराम से अपनी आई लैस को कर्ल कर सकते हो एंड आई नो ये जो छोटे छोटे टूल होते हैं ना वो आपके मेकअप में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी आई लैश को लिफ्टअ अप करना वो बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं सो आई हाईली रिकमेंड दिस वन आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर पास थ्री मंथ एंड आई है इट ये बहुत ही कंफर्टेबल एंड द बेस्ट पार्ट इज दट इट इज ओनली फॉर वन फोर्टी फोर रूपीज लाइक वन फिफ्टी के अंदर आपको बहुत ही अच्छा कलर मिल रहा है सो गो फॉर इट आई हाई ली हाईली रिकमेंड दिस नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट वी हैव इज द फेरी लाइट आई रिसेंटली बॉट दिस ड्यूरिंग क्रिसमस आपको बैकग्राउंड में शायद दिख रहा होगा सो दिस फेरी लाइट इज फॉर आई थिंक थ्री फिफ्टी रुपीज एंड बेस्ट पार्ट इज दैट की ये दस मीटर का फेरी लाइट है लाइक द लेंथ इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉग सो इन केस इफ यू वॉन्ट टू डेकोरेट यूर हाउस फॉर वेलेंटाइन डे फॉर योर एनिवर्सरी फॉर एनीथिंग यू कैन बॉट दिस वन आई रियली रियली लाइक एंड अगर आप एक कॉन्टेंट क्रिएटर देन यू कैन ऑल्सो बॉट दिस इट इज रियली गुड एंड ये वाला मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि थ्री फिफ्टी थ्री हंड्रेड में जो भी आपको फेरी लाइट्स मिलते इनकी लेंथ बहुत छोटी होती है लाइक थ्री मीटर फोर मीटर बट दिस वन इज फॉर वेन मीटर एंड आई हाई सजेस्ट दिस वन प्लस ये बैटरी ऑपरेटेड नहीं है तो आपको अलग से बैटरी का खर्चा भी नहीं आएगा यू कैन यूज इट इन दू एस बी यू कैन यूज इट इन यूर पावर बैंक पावर बैंक के साथ भी काम करता है सो दैट आई एम रिकमेंडिंग दिस वन इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो so गाइस जब मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट किया था तो आप लोगों से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वो कौन सा ट्राईपॉर्ड था जिसमें अपना फोन लगा के घूम रही थी सब जगह ब्लॉग शूट कर रही थी सो गाइस आई हैव दिस डिजिटेक ट्राईपॉर्ड इट इज ओनली फॉर द फोन नॉट फॉर द कैमरा कुछ लोग इसे कैमरा भी लगाते हैं बट आई ही बिकॉजी नहीं है क्वालिटी अच्छी तो है बट बस काम चलाने के लिए घटा सकते हो एंड इस फिर इसी को इस तरह से बढ़ा भी सकते हो सो आई रियली लाइक दिस एंड नॉर्मल ब्लॉगिंग के लिए छोटे मोटे वीडियोज के लिए बहुत अच्छा है बट आई गॉट दिस वो फॉर आई थिंक फाइव हंड्रेड रुपीज ये फाइव का आ जाता है सो इफ आर लुकिंग फॉर अफोर्डेबल बजट फ्रेंडली से मूव होता है। Now, recently, blanket, जो कि मैं परचेड आपको हाथ में लेके नहीं दिखा रही क्लिप ऑफ दैट अभी बहुत ही अच्छी सेल चल रही थी एंड मुझे बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था लाइक कभी कभी आपको एमेजोन पे लाइटनिंग डील्स मिलती हूँ उसमें मुझे वो टू थाउजेंड का ब्लैंकेट सिक्सटीन हंड्रेड में मिल रहा था एंड आई अ गुड टाइम टू इट सो आई बॉट दिस इट इज अ गुड क्वालिटी ब्लैंकेट बहुत ही थिक है एंड इसके अंदर एक वो नॉर्मल वाले सिंथेटिक जो कॉटन होते हैं वो फिल किया गया है द वेट ऑफ दिस ब्लैंकेट इज फोर के जी एप्रोक्स बट स्टिल आई लाइक इट बहुत ही अच्छे से गर्म करता है सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ब्लैंकेट फॉर योर रूम और फॉर योर पर्सनल यूज यू कैन गो फॉर दिस वन इट इज सो गुड यू गाइज आप इसको नॉर्मल लिविंग रूम में भी यूज कर सकते हो आप इसको नॉर्मल अपने बेडरूम में भी यूज कर सकते हो सो इट इज अ मल्टीपर्पज ब्लैंकेट बहुत ही ज्यादा हैवी भी नहीं है बहुत ही ज्यादा लाइट भी नहीं है so सो आपको दोनों तरीके से काम आएगा सो इन केस इफ आर लुकिंग फॉर अ ब्लैंक

से बहुत सारे को ये चीज नहीं पता होगी दिस इज आर जीबी लाइट जो कि कलरफुल भी हो सकता है, है। यह सारे सीक्रेट कोई शेयर नहीं करता कि लोग क्या यूज करते हैं बैकग्राउंड में कौन सी लाइटिंग यूज करते हैं कौन सा कैमरा यूज करते हैं बट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं बिकॉज आई वॉन्ट यू गैस टू ग्रो एज वेल सो इनकेस इफ यू अटर यू कैन गो फॉर दिस वन इट इज वेरी बजट फ्रेंडली इट इज फॉर ओनली थ्री फिफ्टी फोर हंड्रेड रुपीज सो इनकेस लुकिंग फॉर द लाइटिंग